अब खुश हो ना, जो करना था हो गया। सब लोग मिलके जिसको जो करना था हो गया, टूट गया, अब कौन सहारा बनेगा हमारा। तुम भी छोड़ के चली गई, अब वो लोग भी नहीं आएंगे, कोई लोग आएगा नहीं मेरा सुख और दुख देखने। गया, अब 10 दिन के बाद फिर से पक्का प्लास्टर करवाना है। मजाक लग रहा है, देखो खुश होना, मिल गई तसल्ली, कर लिया, चलो ठीक है। अब तो तुमसे डर लगने लगा है, बहुत अच्छा की मेरे प्यार करने का जो सजा है ना, मैं भुगत रहा हूँ। और ये जो सजा है सामने देख सकते हैं, देख सकती हो। कुछ लोगों को मजाक लग रहा होगा कि वहाँ कैसे क्या हुआ, झगड़ा हुआ, मारे नहीं, ये नहीं। अभी वहाँ दोस्तों हम जब आए वहाँ से, हमको जब थोड़ा दूर आए तो अचानक ये पूरा सुन्न हो गया था, हमें ये काम ही नहीं कर रहा था। हाथ पूरा ऐसे जब मुट्ठा मुंडा तक कांप रहा था, वहाँ पे हुआ। उसके बाद फिर मैं गया एक्सरा कराने, एक्सरा में दिखा सकता हूँ, नहीं तो कुछ लोग को लगेगा कि वैसे कह रहे हैं, जो कि ये देखिए गांठ पर से छटक गया है और यहाँ से पूरा सुन्न हो गया। फिर उसके बाद गया एक्सरा कराने, वहाँ बोले कि कच्चा प्लास्टर करना पड़ेगा, यदि सेट हो जाता है तो बढ़िया, नहीं तो फिर पक्का करना पड़ेगा 10 दिन बाद। और बहुत अच्छा कर रही हो मालती, लोगों के बीच में जाके जहाँ मेरा अहमियत था उसको डाउन कर रही हो, इसलिए कि रिश्तेदारों में और हर जगह डाउन कर रहे हैं अहमियत, अपने मर्जी से जहाँ जाओ। बताओ, मेरे प्यार करने का सबसे बड़ा यही सबूत है और मेरे प्यार का फल मिल गया आज। आज पता चल गया कि किसी से हद से ज़्यादा प्यार करने का सबूत क्या होता है। और हाँ, अब तो तुमसे डर भी लगने लगा है कि क्या पता कहीं आज इस तरह हुआ कल और ना अनहोनी हो जाए, तो गलती हो तो माफ़ कर देना हमको इस चीज़ को लेकर के। कि वहाँ पे गया, मैं बता रहा हूँ, हम लोग गए बेटे से मिलने, बेटे के लिए कुरकुरे बिस्कुट सामान सब लेके गए थे, खलियाबाद बाबू को घुमा के लाए, देने गए और इनको शांति ना जाने कहाँ भेज दी थी, हमको नहीं पता है। उसके बाद बाबू को अमरनाथ से भिजवाए जाके, भिजवाने के बाद जो है फिर वहाँ लेके गया, फिर दिया। उसके बाद मैं फ़ोन किया कि अमरनाथ लेके आओ, बाबू को 500 रुपया दे दूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब सुना था। मैं बोला चलो, मैं कम से कम इसी बहाने बाबू को दे दे तो रख लेंगे, 500 रुपया देने के लिए बोला। तो शांति बोल रही है कि ते के है तुहार का हक बक्की हवा, तू बाबू को ले जाता हो, जब ले मालती आए तब ले हटा देव ना। तो बताइए, अब मेरा बेटा मेरे पास आने के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है, वो भी किसी दूसरे का। और वहाँ से बोले हम, उसके बाद वहाँ से बोले जाओ निरहू को बुला लाओ, किसी बच्चे के, जाओ बाबू को दे दें, पैसा दे रहे हैं बाबू को दे दें। तो निरहू बोले हम ना ही आए, हम ना आए, जाए जो नहीं देखा जा। तो हम बाबू उसी में, जब कोई नहीं आ रहा किसके बल पे छोड़े वहाँ बच्चे को, बाबू को लेके चले आए। उसके बाद साहब के पास फ़ोन किया, साहब बोले कि देखो अभी 7 साल के नीचे है बच्चा, तो तुम्हारा हक नहीं है, इसलिए मैं ले जाके छोड़ा। उसके बाद वहाँ बोला, गुस्सा आने लगा कि उसके बाद यहाँ तक मालती बोलने लगी अमरनाथ के ऊपर, तुमको फंसा देंगे, केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बताइए, मेरे साथ जो जा रहा है ऐसा ऐसा कर रही है। उसके बाद वहाँ गए, बात बात में बहस हुआ। बहस क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि सब काम शांति बिगाड़ी है, शांति बार बार बुलाती है, झगड़ा करवाती है। और उसके साथ साथ नीरव भी बोल रहे थे कि मजबूर है दादा से, नहीं तो तुहार जवान हालत करती। तो यहाँ तक बोले कि तुहार पैसा घमंड नहीं करी, दिमाग चाही, फंसावे खातिर दिमाग चाही, हई करे चाहिए दिमाग चाही, ऐसा कुछ ना कह पावा। मारा ला जवान तू, तुहार वो हालत करा, तनी उमरी चल चला गया, बतावत है। मतलब सीधे हमको जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और शांति भी खूब अपशब्द, मैं अपशब्द किसी को नहीं बोला, बोले कि तोरे मुँह में हई कह देव, हऊ कह देव, ऐसे ऐसे ते हई है, ते बहनिया के साथ ऐसे कह ले हवे, हऊ कह ले हवे, ऐसे वैसे करने लगी। और उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ तक कि अब शांति जिस तरह बोल रही थी, हम क्यों नहीं बोलेंगे जब तुम्हारा सबको पता है, तुम्हारा पति खुद जानता है, फिर भी तुम इस तरह कर रही हो। कम से कम किसी का घर बसाने से अच्छा उजाड़ना चाहिए, एक शादी के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है और एक किसी का घर बर्बाद होने के लिए तुम पहले इन्वॉल्व हो रही हो।
कितने दिन कोई रख सकता है, जिम्मेदारी ले सकता है, कोई चीज हो जाए तो कौन है, मैं जिम्मेदार हूँगा, लेकिन नहीं। आज उसी के चलते वहाँ पे इतना खतरनाक झगड़ा की, इतना उसी में मेरा हार्ट टूट गया। कौन मारा, कैसे मारा, हमको खुद नहीं पता है। बस तीन लोग झगड़ा कर रहे थे, मालती, शांति और निरहु, तीनों लोग मिल के हमको ऐसा हाल कर दिए। क्या लगता है, मैं सहन इसलिए कर रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं क्या मजबूरी है, मेरा बच्चा है, मेरी बीबी है, कुछ हो जाएगा तो कोई सहारा नहीं होगा, मैं जानता हूँ। बार बार गुस्सा होकर कहीं जाना आना और ये होता वो होता है, समझ सकते। उसके बाद उनकी दीदी दूसरे के यहाँ फोन करके हड़का रही हैं कि कह दो कि उनकर मेहरारू है, चाहे मारे चाहे गरिया, अपने घरे लेके जा, हम मन का नाम न लें। क्यों नहीं ले नाम, आप लोग ही ने ही तो उसको चढ़ा के रखा है, क्यों करती हो, हमें नहीं पता है। बार बार उससे पैसे की मांग करती हो और करती हो तो कौन जिम्मेदार होगा। अभी तक 15-17 हजार रुपये ली हो, हम मांगे हैं कभी, मैं जानता हूँ जब होगा दोगी, लेकिन नहीं। वो बोल रही थी कि शादी भाई लोग 2 महीना मांगे लग लें, पूछो मैं मांगा था पैसा। इतना करवाने के बाद कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यही है। मैं खुद बहुत बड़ा चूतिया हूँ कि लोगों का मैं हेल्प करता हूँ, और जो मेरे साथ हैं उन पर सराहना किया जाता है। और आज मेरा परिवार टूटा है, बिखरा है, और आज देखिए हाथ है, 10 दिन के बाद फिर पक्का प्लास्टर लगेगा, कोई नहीं सहारा होगा मेरा। इस हाथ से खाया नहीं जाता है, खाना नहीं खा पाता हूँ बढ़िया से। शाम को मैं खाया था, अभी तक कुछ खाया नहीं हूँ। मेरा पूरा घर ऐसे सूना पड़ा है, कोई नहीं है, मैं क्या करूं। लो, हो गया जो करना था, जो चाह रही थी वो तो हो गया ना। अब खुश, अच्छे से खुश हो ना, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। लो यही है, मैं भोगूंगा, यहां तक कि ये कपड़ा भी ढंग से नहीं पहन पाऊंगा, पैंट का चैन बंद नहीं कर सकता, दूसरे को बंद करना कौन है मेरा, कोई बात नहीं। आप खुश हो ना, बस कोई दिक्कत नहीं, जब तक होगा जो होगा देखा जाएगा। और पैसे पैसे की बात करती है, 1 रुपये छोड़ के मैं क्या से क्या करता हूँ। गाड़ी का किस्त देना होता है, मोबाइल का किस्त देना होता है, कैमरे का किस्त देना होता है, और कर्जा है, ये नहीं पता है किसी को, ये नहीं जानते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, खुश हो जाओ, आओ जहाँ मर्जी तहाँ रहो। बोल रहे थे कि तोर बाप बोला यही करो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपकी मर्जी आप करना, मैं नहीं कुछ कह पाऊँगा। और हाँ, अब आपसे हमको डर लगने लगा है।